तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं सही अल बुखारी किताब बदुल खल्क हदीस नंबर 461 462। आज हम जो है काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, लिजर छिपकली के बारे में, डॉग के बारे में, जिन शयातीन, मुर्गा, गधे की जो आवाज़ होती है, जन्नत दोजख, और कुछ मासूम दुआएं उनसे पनाह मांगने के लिए शैतानों से। और चलें इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, औऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाला अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी शराहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना व 'अल्लिमना मा यन्फ़उना व ज़िदना इल्मा। सही बुखारी द बुक ऑफ क्रिएशन किताब बदुल खल्क जिक्रु मलाइका। सही बुखारी किताब बदुल खल द बुक ऑफ क्रिएशन जिक्र मलाइका में हम हदीस नंबर 461 करेंगे ना। 461 है ना आपके हाथ में। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्नु यूसुफा अखबरना लैसु काला हद्दसनी उकैलुन, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमको लैस ने खबर दी, कहा मुझसे उकैल ने, अन इब्न शहाबिन समेतु अबा सलमा काला अखबरनी जाबिर इब्नु अब्दुल्लाह रदी अल्लाहु अन्हुमा, मुझसे उकैल ने, उन्होंने इब्ने शहाब से कहा, मैंने अबू सलमा से सुना, कहा मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से सुना, उन्होंने हजरत से सुना कि आप फरमाते थे। अब ये आप देखें ना, हदसना अब्दुल्ला इब्ने यूसुफा अखबरना लैसु काला हदसनी उकैलुन, उकैल आपने पढ़ा ना, उकैल का नाम उकैलुन है ना आपके हदीस में। तो ये उकैल की जो है ना अक्सर रिवायात जो है इब्ने शहाब ज़ोरी से है, इब्ने उकैल की रिवायत अक्सर किन से, इब्ने शाबस ज़ोरी से है। तो हम इसको अक्सर पढ़ेंगे कि उन्होंने कहाँ से रिवायत की है, इब्ने शाबस ज़ोरी से। इनकी रिवायत अक्सर ज़ोरी से होती है और बहुत उम्दगी से होती है, क्योंकि रिवायत में आता है कि ज़ोरी की ज़मीनें कहाँ थी, एला में थी। ज़ोरी की ज़मीनें कहाँ थी, एला में थी, तो वो वहाँ होते थे, एला में होते थे। तो उकैल जो है वो वहाँ जाकर इब्ने शाबस ज़ोरी से इल्म हासिल करते थे, क्योंकि इब्ने शाबस ज़ोरी कहाँ होते थे, एला में होते थे। तो उकैल एला जाते थे और इब्ने शाबस ज़ोरी से इल्म हासिल करते थे। तो आप हमेशा यही देखेंगी कि उकैल की अक्सर रिवायत किन से है, इब्ने शाबस ज़ोरी से वो रिवायत लेते थे। फिर आगे जिक्र आया है कि काला अखबरनी जाबिर इब्न अब्दुल्ला, ये हदीस को कौन रिवायत करते, जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं ना। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला का के मुताबिक हम देख लेते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु साहबी है, आप ससम के ज़माने में तो साहबी है और ये अंसार में से हैं। आपको पता है ना मुहाजिर और अंसार दो थे ना, मुहाजिर जो हिजरत करके आए थे और अंसार मदीना के रहने वाले लोकस थे। तो अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला जो हैं वो अंसार में से हैं और ये बनू सुलेम से थे और ये उकबा सानिया में हाजिर हुए थे अपने वालिद के साथ जब ये छोटे थे। तो उकबा सानिया में हाजिर हुए थे, लेकिन उन्होंने अहद की जंग में शिरकत नहीं की थी जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने, क्योंकि उनके वालिद ने उनके बहन भाइयों की निगरानी का काम दे दिया था कि मैं जंग पे जा रहा हूँ
अपने भाई बहन भाइयों को देखो, छोटे थे वो उनके बहन भाई। और ये हदीस के मुफस्सरीन में से हैं, इनसे 1154 यानी 1154 हदीस रिवायत करते हैं माशाल्लाह, 1154 1154 हदीस रिवायत की है उन्होंने। और मदीने के मुफ्ती थे, फतावे देते थे। अपने अहद में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 17 गजवात में शिरकत की, सुभान अल्लाह, 17 जंगों में शिरकत की। उनके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की है, इस्तग़फ़रली रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मेरे लिए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिग़फ़ार की है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक सफर में क्या हुआ था कि उनकी ऊँटनी ने उनको बहुत तंग किया था। एक सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो ऊँटनी ने बहुत सताया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊँटनी उनसे ले ली थी, खरीद ली थी। कितने अच्छे थे, हम तो खराब माल कभी ना खरीदें। बहरहाल उनका बहुत बड़ा मकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ भी की है। उनकी शादी जरा देर से हुई थी क्योंकि उनके वालिद ओहद में शहीद हो गए थे, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी थी और उनकी बहुत सारी बहनें थी। और जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने एक बड़ी उम्र की खातून से शादी की, अपनी एज की उम्र से नहीं की थी। तो आप ससम ने उनको फरमा पूछा कि तुमने किस लड़की से, तुमने किसी छोटी लड़की से शादी की होती, मतलब बड़ी उम्र की लड़की से शादी की? तो कहा कि मेरी बहुत सी बहनें हैं तो लड़कियों पर मैं एक और लड़की ले आता, और लड़कियां लड़कियां हो जाती ना, अब उनके बच्चियों के लिए थोड़ी बड़ी, उनसे बड़ी की जरूरत थी। मतलब कुर्बानियां देखें, फैमिली के लिए, दीन के लिए, गजवात में 17 जंगों में जाते हैं, 1150 आदि से बात करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, 17 जंगों में चले गए, मतलब कितना दीन दुनिया सब दुनर देगा। और अपनी देखे कुर्बानी कैसी दी कि बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली, कि मैं अभी बहन लड़कियां उन पर एक और लड़की ले आऊं, मतलब जवाब देखे उनकी सोच देखे। अच्छा, फिर उन्होंने जो है 94 साल की उम्र में वफात हुई उनकी, 94 ईयर्स की साल में, ठीक है, 94 ईयर्स की उम्र में उनकी वफात हुई। उनकी आखिरी उम्र में उनकी बिनाई चली गई, उनकी नज़र चली गई थी, और 74 हिजरी में उनकी वफात हुई थी जब वो 94 साल के थे। देखिए उम्रें भी उनकी बड़ी बड़ी होती थी, इतना काम कर लेते थे ये लोग ना। अच्छा, अब क्या है कि साहबा के बारे में आपको तफसील अगर चाहिए हो ना तो मैं किताबों के नाम आपको दे दूंगी, व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। उसूलुल गाबा फिल मारिफतिस साहबा, दूसरी है सैर आलामुल बलाग अल मुंतजम फी तारीख अल बलूग अल उमम, इन किताबों में इनके सारे हालात हैं और ये सारे आपको किताबों में उनके हालात मिल जाएंगे। जो अगर हम लोग, आप लोग चाहें कि हम मजीद पढ़ें साहबा के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, तो इन किताब में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हदीस में, पिछली हदीस में अलामश का जिक्र था, तो आमश का तो हम पढ़ चुके थे ना, हदीस में आमश के मुतालिक तो पढ़ चुके थे। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं कि काला अखबरनी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह अन्हुमा, तो वो ये इस हदीस को जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं अन्नहु समयन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत सल्लम से मैंने सुना, यकूलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि सुम्मा फतरा अन्नल वायु फतरहु फबायना अना अमशी समेतु सौतन मिनस समाय। आप सल्लम फरमाते थे कि पहले गारे हिरा में जिब्रील मुझको दिखाई देते थे ना, गारे हिरा में वही लेके आते थे ना, इसके बाद 3 बरस तक वही आना मौकूफ रहा, 3 बरस तक फिर वही नहीं आई ना, पहली वही के बाद आपको पता ना फतरतल वही हो गया, यानी वही मौकूफ हो गई। तो फरमाते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मैं रस्ते में जा रहा था, मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, ठीक है, फरफातु बसरी, तो आंख उठाकर जो देखता हूँ क़िबला समाए आसमान की तरफ, तो क्या देखता हूँ, फैजल मलकुल लजी जानी बी हिराइन कायदुन अला कुर्सीन बैन समाई वल अर्दी, तो आंख उठाकर जो देखता हूँ तो वही फरिश्ता मैंने देखा जो गारे हिरा में मेरे पास आया था, आसमान और जमीन के बीच में मौलक एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। फिर वो साहब सदम फरमाते फजेतु मीनू हत्ता हवैतु इलल अर्दी, मैं ये देख कर डर गया, ऐसा डरा कि जमीन पर गिर गया, क्योंकि वो जमीन और आसमान के बीच में कुर्सी पर बैठे हुए थे ना। देखिए आपकी हदीस बता रही, मैंने आसमान से एक आवाज सुनी, आंख उठाकर जो देखता हूँ तो वही फरिश्ता जो गारे हिरा में मेरे पास आया था, आसमान जमीन के बीच में मौलक एक कुर्सी पर बैठा हुआ। आपको पता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी क्रिएशन है, उनके 600 पर हैं और
पर जो है उनके एक पर और दूसरा पर मशरिक और मगरिब पर छा जाता था पूरे होराइजन पे। फिर वो फरमाते जब होश आया फजी तो आली तो अपने घर में गया। कहाँ गए? फजी तो आली अपनी बीवी के पास गया, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। तो इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन हमें और हदीस से पता चलता है, यहाँ तो सिर्फ लिखा था फजी तो आली तो मैं अपने घर में आकर घर वालों से कहा जम मिलूनी मुझको कुछ उड़ाओ मुझे कुछ उड़ाओ, यानी इतना आप डर गए थे ना। तो आपने बीबी खदीजा से कहा, फरमाया जम मिलूनी फअंजल अल्लाहु ताला, उस वक्त ये आयते सूरह मुदस्सिर की नाजिल हुई, या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिल इला कौली। तो ये सूरह मुदस्सिर की आयते होती के ए ओर लपट के बैठने वाले ओ ए ओर लपटने वाले कुम उठो फांजिर और डराओ और लोगों को डराओ इला कौली अल्लाह के इस कौल तक, ठीक है। वज़ुज़ा फाजुर यानी क्या करो गंदगी को छोड़ दो, ठीक है। रुज गंदगी फाजुर छोड़ दो गंदगी को छोड़ दो। अबू सलमान ने रुज से सूरत से मैं बुत मुराद लिए, गंदगी क्या है बुत है, बुतों की गंदगी को छोड़ दो। आप ससम तो बुतों को नहीं मानते थे लेकिन वहां तो बुत थे ना, तो उनको कहकर हमें भी मुखातिब किया और गंदगी को छोड़ दो। तो गंदगी जो है ना आम गंदगी भी हो सकती है, गंदा रहना जैसे नहाना धोना नहीं, ठीक है। और बुतों की गंदगी को भी कहा है, ठीक है। तो जाहिरी तौर पर बातनी जाहिरी गंदगी भी और बातनी गंदगी भी, ठीक है, दोनों तरह की गंदगी यहाँ पे मुराद है। तो अब यह है कि जो दीन के काम करते हैं तो उनके उनको पाकी सफाई और तहारत का इंतजाम करना चाहिए। हमें यहाँ से पता चलता है ना कि आप तो पैगंबर हैं, क्या वो साफ सुथरे तो रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इंस्ट्रक्शन दी फिर भी कि दीन के काम करने वालों को क्या करना चाहिए, पाकी सफाई पाकी सफाई सुथरा का काम करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है कुरान और हदीस अल्लाह का इल्म जो है गंदे दिल के अंदर, यानी जाहिर तो होनी चाहिए वजू तहारत गुसल, लेकिन बातनी भी दिल भी साफ होना चाहिए ना लोगों के खिलाफ असर दोस्त कीना वगैरह। तो अल्लाह का जो ये कलाम है ये इल्म जो है गंदे दिल के अंदर जो है नहीं आ सकता, गंदे दिल के अंदर जगह नहीं पकड़ सकता। जिसके दिल में अल्लाह के बारे में दीन के बारे में वसवसे हो शक हो बदगुमानियां हो उसके अंदर ये इल्म जो है जगह नहीं पकड़ सकता, ठीक है। तो और वहां समा नहीं सकता और उसको फैज भी हासिल नहीं होगा जब तक दिल ही साफ ना हो ना, वसवसे होंगे अल्लाह के खिलाफ रसूल के खिलाफ दीन के खिलाफ लोगों साहबा के खिलाफ, तो क्या होगा उसको फायदा भी हासिल नहीं होगा और फिर जब फायदा हासिल नहीं हुआ तो उसकी रोशनी भी दूसरों तक नहीं फैलेगी, ठीक है ना, जिस तरह के फैलनी चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने अमाल और तरीकों को भी दूर रखे। जाहिरी सफाई तो सभी कर लेते हैं, नहाना धोना, अच्छे शैम्पू अच्छे साबुन अच्छे खुशबू वाले अच्छे स्प्रे अच्छे डिओड्रेंट अच्छे परफ्यूम सब लगा लेते हैं, लेकिन क्या है कि अपने इंसान जो है अपने आमाल और तरीकों को भी दुरुस्त रखे और दिल को भी साफ रखे अल्लाह के बारे में कुरान के बारे में पैगंबरों के बारे में। वसवसे बदगुमानियां और वसवास ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हदीस वाजे हो गई। अब हम हदीस नंबर 462। हद्दसना मोहम्मद इब्न बशारिन काला हद्दसना गुंदर हद्दसना शोबतु अन कतादता वकाला ली खलीफतु हद्दसना यजीद इब्न زرین حدثنا سعید عن قتادہ عن ابی ابی العالیہ۔ یہ چین آف نریشن سستی ساری، ہم سے محمد بن بشار نے بیان کہا ہم کا کیا، ہم سے گندر نے، ہم سے شعبہ نے، انہوں نے قتادہ سے۔ دوسری سند میں امام بخاری نے کہا ہے کہ مجھ سے خلیفہ بن خیات نے کہا، ہم سے یزید بن زرعی نے بیان کیا، ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو العالیہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم سے تمہارے پیغمبر صاحب نے۔ اب یہ اس میں آپ نے دیکھا حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا گندر، گندر کا نام آپ نے دیکھا نا گندر، تو ہم تھوڑا سا ان کے متعلق پڑھ لیتے ہیں کہ گندر کے متعلق دیکھ لیتے ہیں، ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جی گندر کے متعلق میں نکال رہی ہوں، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جی گندر یہ محمد بن جعفر الحضری تھے، یحییٰ بن معین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح تھے، یعنی جس کتاب سے یہ روایت کرتے تھے وہ بہت صحیح تھی۔ جب کچھ لوگوں نے گندر کو غلط قرار دینے کا ارادہ کیا تو وہ اس پر قدرت نہ رکھ سکے، لوگوں نے سوچا ان کو ان کے علم کے متعلق کہتے ہیں کہ غلطیاں ہیں،
तो वो कुदरत ना कर सकते उनकी गलतियों को बता नहीं सके। यहाँ इब्ने मुईन कहते हैं कि एक दफा गुंदर ने हमारी तरफ एक बोरी निकाली, उसमें कुछ किताबें थी, और कहा अपनी पूरी कोशिश से इसमें गलती निकालो, तो हमें कुछ भी गलत ना मिला। पूरी बोरी किताबें भर के बताएं, तो हमारे पास तो ट्रॉलियां होती हैं, बैग्स होते हैं, पहले तो जूट के बैग्स और बोरियां होती थी ना, किताबें कहते भर के निकाली और कहा गलती निकालो, उसमें कुछ भी उनको गलत ना मिला। उसके बाद हम देखते हैं उनके उस्ताद शोभा थे, आपने अभी पढ़ा ना इसमें शोभा से रिवायत किया, तो ये शोभा से रिवायत कर रहे हैं, तो उनके उस्ताद शोभा उनके बारे में कहते हैं, देखे उस्ताद कह रहे हैं शागिर के बारे में कि गुंदर मुझसे ज्यादा सिका हैं, यानी उनकी रिवायत पर आप मुझसे ज्यादा भरोसा कर सकते। सिका कौन होते? सा काफ हा, सिका जिनकी रिवायतों पे हम भरोसा कर सकते हैं, ऑथेंटिक रिवायत होती है, वो सिका थे। यानी उस्ताद कह रहे हैं कि उनकी रिवायतें मुझसे ज्यादा सिका है, और उस्ताद भी कितने अच्छे के तारीफ करते हैं। आजकल तो उस्ताद भी जो है ना, आप पढ़ने लगे पढ़ाने लगे अप्रिशिएट, मुझे मैंने किसी से सुना, कोई खातून मुझे कह रही थी, मतलब काफी लोगों ने मुझे कहा कि वो अप्रिशिएट नहीं करते जब हम मतलब दीन में कुछ आगे बढ़ जाते हैं, या सारे नहीं इल्ला मर रहमल्ला या दर्स देने लगते हैं, तो हमें ये होता है कि वो ऑनलाइन सुन रहे होंगे तो शायद हमें वो हमें मतलब हमारे कुछ कहे। अहमद बिन अम्बल कहते हैं कि गुंदर ने कहा मैंने इल्म के लिए शोभा की सोबत को 20 साल तक लाजिम किया। गुंदर क्या कहते हैं कि मेरे उस्ताद शोभा की सोबत में 20 साल रहा, ऐसे थोड़ी इल्म आ गया। सलमी बिन सुलेमान कहते हैं कि जब लोग शोभा की हदीस सुनकर इख्तलाफ करते हैं तो गुंदर की किताब में उनसे फैसला कौन हैसियत रखती थी, यानी शोभा उनके उस्ताद हैं, उनकी किताब में इख्तलाफ हो रहा है तो फिर उसको कहाँ देखते थे, उनके शागिर्द गुंदर की किताब फैसला कौन हैसियत रखती थी कि ये सही है या गलत है। सुभान अल्लाह, आप ऐसे हम भी ऐसे शागिर्द बन जाए और उस्ताद बन जाए इनके, आमीन। ये एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते, इस तरह के रोजे को सौम्य दाऊद कहते हैं। सौम्य दाऊद ही ऐसा था ना, दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते थे एक दिन नहीं रखते थे, और उनका ये अमल 20 साल तक रहा। सुभान अल्लाह, या अल्लाह हमारी तो ना इबादतें ऐसी हैं ना हमारे रोजे ऐसे, अल्लाह ताला में ऐसे बनाए। गुंदर मनारा के किनारे बैठकर ज़कात तकसीम क्या करते थे, तो लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं लोगों को तरगीब देता हूँ ताकि वो भी अपनी ज़कात निकालें। कहते हैं ना छुपके करना चाहिए, लेकिन जहां नहीं हो रहा हो ना तो वहां ये क्या करते थे, किसके किनारे बैठ जाते थे, मनारा के, जो भी मनारा कोई था उसके किनारे। गुंदर की जिंदगी से सीखने की बात है, किसी नेक अमल को मुस्तकिल तौर पर करना चाहिए, मुस्तकिल रोजे रखे 50 साल है ना, और जो एक दिन रखा, और रोजा दाऊदी, क्योंकि अल्लाह के नजदीक दवाम पसंदीदा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा करो लेकिन मुस्तकिल करो, दवाम करो, दायमी करो, उसको छोड़ो ना काम को ना। आप क्या करते हैं एंटीबायोटिक जो मिलती है उसके डोज क्या करते हैं, 7 दिन पूरे पीने होते हैं ना, वरना मर्ज फिर पकड़ लेगा। वो भी कहते हैं ना दवाम करो और कॉन्स्टेंटली उसको पियो, कंटिन्यूसली पियो, इसलिए कोई भी चीज कंटिन्यूस करो अच्छी होती है। अब हम हमारी जैसे समर आता है हमारी क्लासेस छूट जाती, क्या होता है हम कितना पीछे हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों तो उजर है हमें पास, एक बात है कि वो एक आदत भी छूट जाती है, दोबारा आना भी थोड़ा मुश्किल हो गया। अब जब रूटीन में सब चल ही रहा था खाने, अब फिर से हो गया माशाल्लाह खाने भी, तो जहाँ कोई चीज छूटती है तो थोड़ी सी हमें भारी हो जाती। फर्ज सत्कार दिखाकर करने में कोई हर्ज नहीं, फर्ज था ना जकात तो उसमें कोई हर्ज नहीं, अगर नियत दुरुस्त हो ताकि दूसरों को भी अपना फर्ज याद आ जाए, उनकी नियत दुरुस्त थी कि दूसरों को भी फर्ज याद आ जाए। चलें तो अभी हदीस को हम पूरा कर दें, तो अब हम आगे से इसको शुरू करते हैं जहाँ से रावी कहते हैं रिवायत है। तो अच्छा, उन्होंने कतादा से, उन्होंने अबुल आलिया से, उन्होंने कहा कि हमसे तुम्हारे पैगम्बर, अब मैं अरबी पढ़ती हूँ, के हदसना इब्न अम्मा नबी यकुम, यानी हमसे तुम्हारे पैगंबर के चचा, तुम्हारे नबी यकुम तुम्हारे पैगंबर, अम्मा चचा आइन मीम अम्मा, तुम्हारे अम्मा यानी इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु, तुम्हारे चचा के चचाजाद भाई यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास आपसे सभी चचाजाद भाई थे ना, इब्न अब्बास आपके चचा थे, ने बयान किया, यानी इब्न अब्बास ये रिवायत बयान करते हैं ये हदीस, अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, काला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराएतु मैंने देखा, लैलता उसरिया बी मूसा रजुलुन के, जिस रात मुझे मेराज हुआ मैंने मूसा को देखा, किसको देखा, मूसा को देखा, ठीक है, रजुलन आदमा, कहते हैं कि मैंने मूसा को देखा, आदमा कहते हैं गंदमी रंग को, मैंने मूसा को देखा, एक आदमी थे मूसा की बता रहे हैं, हैयत बता रहे कि मैंने मूसा को देखा, रजुलन
आदमा, के वो एक आदमी रजुलन कहते आदमी को, आदमी थे आदमा, आदम आदम कहते हैं गंदुमी रंग के, ठीक है। तुवालन, तुवालन कहते हैं तवील खत के, जादन तवील लंबे खत के, जादन मजबूत बदन के, है ना। जात का ये क्या मानी किया गया है कि एक और एक मानी जात का आता है घुंघरिया घुंघरियालो बालो वाले। देखिए फिर से सुने, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मुझे मैंने देखा मूसा को रजुलन, एक आदमी, मतलब रजुलन एक आदमी, तरह मूसा आदमी थे ना, आदमा, आदम का मतलब होता है जैसे कि वो गंदमी रंग के थे, तुवालन तवील कद के लंबे कद के थे, जादन मजबूत थे यानी बहुत मजबूत थे। जादन का एक मानी क्या गया है घुंघरियाले बालों वाले। तो किसी हदीस में आप घुंघरियाले बालों वाले भी देखे तर्जुमा उसका, तो जादन के दो मानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज की रात देखा, वो एक गंदुम गु घुंघरियालो बाले वाले ऐसे आदमी थे, तवील थे, मिन रिजालिन शनुआ, जैसे वो शनू कबीला के लोग होते हैं। कैसे कैसे लोगों से मिलते जुलते थे, शनुआ कबीला के लोगों से मिलते जुलते थे वो, बात मुशाबत होती ना। वराइतु, और मैंने देखा ईसा, ईसा अलैहि सलाम को, रजुलन मरबूअन, देखा वो म्याना कामत, कैसे थे, म्याना कामत के थे, उनका कद जो था दरमियाना म्याना कामत का था, मरबू अल खलकी, और बदन उनका कैसा था, इला हुमरती वल बियादी, म्याना कामत बदन के थे, सो बदन कैसा था, सो सफेद था, सब तर रासी, और सीधे बालों वाले आदमी थे। कैसे आदमी थे, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को देखा वो म्याना कामत म्याना बदन सुर सफेद बाल वाले आदमी हैं, और देखा वराए तू मलकन, और मैंने देखा फरिश्ते को भी, खाजिन नारे, जो दोजक का दारोगा है। खाजिन कहते हैं किसे, दारोगा को, नार कहते हैं आग, दोजक को। व दज्जाला, और दज्जाल को भी देखा, फी आयातिन, ये सब निशानियां, आयात निशानी होती ना, निशानियां अपनी कुदरत की, अराहुन अल्लाहु इयाहू, अल्लाह ने मुझको दिखलाई। और फिर सूरह सज्दे में आता है ना, फला तकुन फी मिरयतिन मिन लिकाईही, और जो है फरमाया सूरह सज्दे में जो है, तू उससे मिलने में शक ना कर, यानी मूसा से मिलने में। मूसा अलैहि सलाम कोहे तूर पे मिले थे ना, कोहे तूर पे गए थे ना, और तौरात मिली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना, कलीमुल्ला मूसा कलीमुल्ला, अल्लाह ताला ने उनसे बात की थी। तो अब ये जो आयतें बताई ना कि वरा आयता मालिकन खाजिन नारे व दज्जाला फी आयातिन अराहुन अल्लाहु इयाहू, ये के दज्जाल को भी देखा, ये सब निशानियां अपनी कुदरत की। तो ये हमें सूरतुल इसरा सूरतुल बनी इसराइल में मिलता है, शुरू ही होती है सूरत, सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, वो पाक जात है जो रातों रात अपने बंदे को असरा मतलब ले गई है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द को बरकत दी है, लिनुरीयहू मिन आयातिना, ताकि हम उसको दिखाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आयात, ठीक है। वही चीज बताई जा रही है ना कि अल्लाह ने अपनी आयतें दिखाई थी, और ये सूरतुल इसरा या सूरतुल बनी इसराइल में है, ये आयत ऐसे शुरू होती है, ये आयत है, ठीक है। और फिर ये दूसरी आयत का जिक्र है कि अपनी कुदरत की अल्लाह ने मुझको दिखलाई। अच्छा, फिर सूरह सज्दा में जो है, तू उससे मिलने में शक ना कर, यानी मूसा से मिलने में। उसके बाद काला अनसुन व अबू बकरा था अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहा रसुल मलाइकतुल मदीनता मिन अद्दज्जाली, अनस रदियल्लाहु अनहु और अबू बकरा ठीक है, आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं रिवायत की है कि मदीने की हिफाजत जब दज्जाल निकलेगा फरिश्ते करेंगे। जब दज्जाल आएगा तो मदीने में दाखिल नहीं हो सकेंगे, मदीने के 8 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर फरिश्ते बैठे होंगे, और वो दज्जाल जो है मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये हमने इसका दर्स भी डिटेल में किया था ना, कयामत की निशानियों में। हाँ, तो ये जो आपको अल्लाह जो निशानियां दिखाई ना, अल्लाह ताला ने निशानियां जो हैं जिनमें नबी नबियों को दो नबी भी दिखाए, उसमें दज्जाल को भी दिखाया, और दज्जाल दौज़ख भी दिखाई, और दज्जाल दिखाया, मूसा अलैहि सलाम दिखाया, ईसा अलैहि सलाम को आपने देखा, लेकिन और दज्जाल दिखाया, और मालिक जो है जन्नत दौज़ख का दारोगा उसको दिखाया। दज्जाल अब भी मौजूद है, दज्जाल मौजूद है, दज्जाल क्रिएशन हो चुकी है, दज्जाल की अल्लाह ने पहले ही कर दी थी, और अल्लाह का जब हुक्म होगा तो वो निकल आएगा और अपने काम जो उसने करने जो हमने पढ़ा था वो सब करेगा,
ठीक है। इसी तरह याजूद माजूद भी, जुलकरनैन ने दीवार पाट दी, सूरतुल काफ में आपने पढ़ी, और वो उस पहाड़ों के पीछे है, जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो निकल आएगा। तो ये माशाल्लाह आपने बहुत मुबारक हो, आपने अपना बदुल खल्क पूरा कर लिया। देखे कतरा कतरा कितना बड़ा ये था, कितनी सारी आदेश किताब बदुल खल्क बहुत बड़ा था, आपने उसको, हमने अल्लाह ताला ने हमें उसको तफसीर से करवा दिया। अब हम और चीजें देख लेते हैं किताब बदुल खल्क की, चीजें और हम पढ़ लेते हैं ना, के थोड़ा सा मुर्ग और गधे की तकलीक पढ़ी थी ना आपने, क्योंकि ये क्रिएशन का बाब है, मालूम है ना आपको, इसमें तखलीक का बाब है, तो इसमें हमने काफी चीजें पढ़ी थी। मुर्ग और गधे की तखलीक का जिक्र, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्ग की अबांग सुनो तो अल्लाह से उसकी फजल का सवाल करो, क्योंकि उसने फरिश्तों को देखा है, और जब गधे को, क्योंकि वो बांग भी देता है ना, अल्लाह भी कहता है, तो जब भी उसकी आप आवाज सुने तो क्या करें कि अल्लाह का फजल सवाल करें, क्योंकि उसने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे को देखो, गधे की आवाज सुनो, तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, कि उसने शैतान को देखा, याद है ना आपको। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि समीउल्लीम मिनश्शैतानिर्रजीम, मिन हमज़ी व नफ़्ज़ी व नफ़्ज़ी, यहाँ दुआ नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसी दुआएं हैं, हमें साबित है ना, आप वैया कनस्तैन में पढ़ते हैं, दुआओं की किताब में भी पढ़ते हैं, तो कुछ इस तरह का कुछ भी पढ़ लें। अच्छा, अमल की बात है, अच्छा, और फजल और रहमत की भी यहाँ तो नहीं दुआ बताइए, लेकिन आपको पता ही है, हर दफा हम लोग पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका ला यमलिकुहा इल्ला अंता, ए अल्लाह हम आपसे आपका फजल और आपकी रहमत तलब करते हैं, और रहमत और फजल देने पर आप ही कादिर है, अल्लाह ही दे सकता और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। अब अमल की बातें, सुन्नत की रोशनी, मुर्ग की बांग सुनने पर कोई मखसूस दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इसलिए इस मौके पर अल्लाह से उसका फजल और रहम मांगना चाहिए, कोई मखसूस दुआ नहीं। मैंने वैसे ही आपको दुआ बता दी कि ये दुआएं हैं, ठीक है। नेक मजालिस में दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं। मुर्ग की बांग से बेजार होकर उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते देखता है, तो अल्लाह का फजल तलब करो, ठीक है। तो नबी ससन ने मुर्ग को गाली देने से मना किया है कि सुबह हुई हम तो सो रहे होते ना, फजर नहीं पढ़नी होती, हमें बुरा लग रहा होता है कि ये कहाँ से शुरू हो गया, तो उसको गाली देने से मना किया है, क्योंकि वह नमाज के लिए जगाता है, वो एक अच्छा काम कर रहा है। मुर्ग के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, तमाम जानवरों को, देखिए ये दीन तो ऐसा है, इंसान तो इंसान, जानवरों का भी ख्याल करना है। नमाज में मुर्ग की तरह ठोंगे मारने से मना किया गया है। गधे की वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गधे की आवाज भी सुनकर क्या करना है, आप तो रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, वो भी आपका है। हमने आपको देखा ऑनलाइन, आप लाइक भी कर रही हैं, अल्लाह ताला आप तो शामिल ही थी। तो देखे जब ही तो कहा है ना अल्लाह के दीन में है ना कि जो चीज इन हो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। आप मुझे बताएं क्या क्या टेक्नोलॉजी का फायदा, कुरान और हदीस से साबित करें क्या टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की गई। मैंने बहुत बार आपको जिक्र किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल की, कुरान में टेक्नोलॉजी एक जगह जिक्र आता है, बहुत सी चीजें जिक्र है। एक वाक्य बता दें, शायराना जबान में बात करते थे तो सलम ने कहा था अपनी तरह से, जी 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 पहुंच गए, ये जबरदस्त के वो आपकी हजू करते थे, मुश्किन मक्का, कुफारे मक्का, और शायरी जो है बातें भी शायरी में थी, उनको अपनी अरबी दानी पे नाज था, जैसे हम लोग उर्दू लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर एक अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, इस तरह की थी, और शायरी में बातें होती थी और आपकी हजू करते थे। तो अल्लाह के रसूल ससम ने फरमा, एक दफा अब मैं आपको पूरा वाक्य कभी नहीं बताया, आज बताती हूँ, द इंटरप्रेशन ऑफ द हदीस आई जाएगी, आपकी हदीस ही आई जाएगी। हसन बिन साबित जो थे ना, वो जो है मुसलमानों के शायर थे, तो उन्होंने एक दफा रसूल ससम से फरमाया कि मैं इनकी हजू का जवाब दूं। तकलीफ होती थी ना, साबित थे ना, तो हदीस का मफहूम है जिस्ट है, पूरी हदीस वर्ड टू वर्ड नहीं बोल रही तो कहना चाहिए जिस्ट ऑफ द हदीस, तो उसका मफहूम है जिस्ट है कि आप ससम ने फरमाया कि कुरैश तो आप उनके कबीले से थे ना, कुरैश तो आपका कबीला था ना, तो कहने की अगर कोई तुमको ऐसी बात कह दो जो जाके लग जाए मेरे कबीले को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे लोगों को, तो हसन बिन साबित ने कहा मैं ऐसे उस शायरी में निकल जाऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई अल्फाज नहीं जाएगा, ठीक है ना। फिर अल्लाह आप ससन ने उनको इजाजत दी और उन्होंने भी वजू का जवाब दिया कि जवाब तो देना था ना, इस कदर उन्होंने तो कितना आप लोगों पे जुल्म ढाया गया था ना,
हत्ता के शायरी में आपकी हजू भी शुरू कर दी थी, वैसे तो फिजिकली भी करते थे, तो फिर आप ससन ने फरमाया, क्या दुआ दी थी हसन ने साबित को, दुआ दी थी और फिर आपने पढ़ा था जिन्हें जंगों में भी आए, या अली के दाएं हाथ पे जिब्रील होते थे, बाएं तरफ जिब्रील होते, है ना, अल्लाहुम्मा अय्यिदु बिरूहिल कुदूस, कुदूस नहीं, कुदूस तो अल्लाह का, हाँ कुद्दूस, हाँ कुद्दूस, 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 वो कुद्दूस जो होता है वो अल्लाह का, ये कुद्दूस है, ठीक है। अच्छा, तो और फिर और कहाँ पढ़ती हैं सूरतुल कहफ में, पढ़ती हैं जुमा को। ज़ुल्करनैन ने जब उन्होंने कहा, वो एक कौम पे पहुंचे, वो तो निकलते थे ना काम करने के लिए, लोगों की भलाइयां करने के लिए, तो एक कौम पे, कुरान हमें बताता है सूरतुल कहफ के, वो एक कौम पे गुजरे जो उनकी बात मुश्किल से समझती थी। बहरहाल उन्होंने किसी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि याजूद माजूद ने हमें पहाड़ी के पीछे से आते हैं, बहुत फितना ढाया हुआ है, बहुत हमें तंग करते हैं। तो और आपको पता है ये नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, आपने पढ़ा है ना याजूद माजूद, अभी ने करवाया था ना। अच्छा, अभी ने तो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, उसको फिर ताजा दम कर लें, भूल गए, मैंने वो ये दर्ज किया है परसों किया है ना एक जगह, ये मैंने दर्ज किया है तो मैंने पोस्ट कर दिया है, और बाकायदा उस पर लिखा हुआ है याजूद माजूद, याजूज माजूज और ईसा अलैहिस्सलाम, वो शॉर्ट है बहुत दर्ज, तो उसको आप 15-15 मिनट करके सुन ले तो आपको याद हो जाएगा इसकी औलाद से क्या। तो नोट्स लिया करें ना आप लोग हर दर्ज में, माशाल्लाह जो लोग ले सकते हैं तो क्या है कि आपको पता चले। तो उसने कहा ये हमारी मुश्किल से बात समझते हैं, तो और ये इनसे बचा लो तो, और हमें तुम्हें उजरत देंगे। तो ज़ुल्करनैन कहते हैं कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, और तुम जो है मेरी मदद करो, लोहा लाओ। तो लोहे की शीट लाए, उसको पिघलाया, उसको पाट दिया दो पाड़ों, फिर कहा कि आप पीतल कॉपर मेल्ट करो, उसको कॉपर को पाड़, तो शीशा पिघलाई दीवार। तो सबबा के अल्फाज हैं कि उन्होंने सबब इख्तियार किया, उससे पीछे जो आयते हैं कि वो सबबा सबबा, तो सबब इस्तेमाल करने हैं। लेकिन अच्छी, अब आजकल टेक्नोलॉजी को भी बुरा नहीं कहें, वो तो चीजों को क्या, हमने सफर के दर्स में पढ़ा था, महा सफर के दर्स में, कि कोई दिन मऊसत नऊस नहीं, कोई औरत नऊसत नहीं, कोई जगह टाइम में नहुसत नहीं है, नहुसत हमारी बदफाली में, बदामाली में। तो आप टेक्नोलॉजी भी अगर अच्छी जगह यूज करें, जैसे अब हम क्या करें, टेक्नोलॉजी यूज करके लाइव है, लाइव भी लोग सुन रहे हैं, अब हमारी ये हमारी स्टूडेंट है, हमारी ये बहन है, बच्चा जा रहा था घर में काम थे, मतलब इनकी शरई गुजर था, इन्होंने सुनते सुनते आई है, तो ये भी एक अच्छा इस्तेमाल है ना, कि इन्होंने मिस नहीं किया, थोड़ा बहुत भी होगा तो फिर आप लोग आप फिर मजीद जाके रिकॉर्डिंग भी सुन लें। तो टेक्नोलॉजी या कोई भी चीज इन हो उसका अच्छा इस्तेमाल लें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हासिल करो, खूब इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल का क्या है, लाहत से महत तक इल्म हासिल, लाहत से महत तक इल्म हासिल, पिंगोड़े से मरने तक, यानी आपका जो झूला होता है, क्रेडल जो होता है, एक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। तो सबक को इस्तेमाल करना है, जो भी नई चीज है, टेक्नोलॉजी है उसको, और अल्लाह के रसूल दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा अईदु बिरूहिल कुदूस, अल्लाह हसानवी साबित की मदद कीजिए रूहुल कुदूस से, जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये हदीस भी आएगी, उतने उससे पूछते हैं तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कहीं मेरे लोगों पे कोई ऐसी बात ना हो जाए, तुम ऐसी कोई बात शायरी कितना ख्याल था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है कि नबी ने सलासम ने मुर्गी मुर्ग को गाली देने से मना किया है, क्योंकि नमाज के लिए जगाता है मुर्ग, अब जितना भी बांग दे मुर्ग सुबह सुबह बोले, हमारे मुल्कों में तो होता है ना, या आपने रूस्टर पाला हो तो बुरा ना कहें। नमाज में मुर्ग की तरह ठोंगे मारने से मना किया गया है, कि आपकी नमाज का वक्त निकल गया, एंड में आपको ख्याल आया, जल्दी 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 चोचे 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 चोचे, जैसे वो जाना चुपते मार ली और जल्दी जल्दी खत्म कर, एंड वक्त में पढ़ ली, किचन करते रहे, लॉन्ड्री करते रहे, और सबसे पहले नमाज पढ़ ले, बरकत हो जाएगी, अच्छी नमाज। हम समझते टाइम टाइम जाया नहीं हो रहा, टाइम बच रहा है आपका, क्योंकि उसकी बरकत से आपके दूसरे काम जल्दी हो जाएंगे। गधे की आवाज सुनकर शैतान से अल्लाह की पलाह तलब करनी चाहिए। नबी सल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को कुत्तों का भौंकना और गधों की आवाज सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करो, बिलाशुबा ये वो कुछ देखते हैं जो तुम नहीं देखते। छिपकली गिरगिट को मारने का हुक्म। गिरगिट रंग भी बहुत बदलता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली गिरगिट को एक फासिक मुजी जानवर करार दिया है, जहरीला होता है ना छिपकली जहरी, और उसको मारने का हुक्म दिया है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने घर में एक नेजा खास तौर पर छिपकलियों को मारने के लिए रखती थी,
देखें हर दौर में थे ना, दुनिया में आ गए तो चाहे वो 1400 साल पहले हो या आज, जो चीजें तो वही हैं। मखलूक क्रिएशन पढ़ रहे हैं ना, क्रिएशन का बाप बदुल खल्क। छिपकली को मारने के पीछे हिकमत, बताएं क्या हिकमत है? याद है कुछ? ये कर चुके हैं आप पूरा, आवाज तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। जी जी उसे जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन में कोई जानवर ऐसा ना था जो उसको आग को बुझा ना रहा हो, सिवाय इस छिपकली के, इस आग को भड़काने के लिए फूंके मार रही थी। ये इतना शरीर जानवर इंसेक्ट है, इंसेक्ट है ना, इट इज इंसेक्ट, ठीक है, रेप्टाइल, अच्छा रेप्टाइल, सॉरी इंसेक्ट नहीं, रेप्टाइल चलने वाले ना, सॉरी, रिंगने वाले माशाल्लाह। छिपकली एक नुकसानदेह जानवर है, रेप्टाइल है, रिंगने वाला, छिपकली एक नुकसानदेह जानवर है जिससे इंसानों को कई तरह की बीमारियां लाहक होती हैं। अगर घर छिपकली घर में अगर छिपकली हो तो खाने या पानी में गिर सकती है। छिपकली की जिल्द पर कुछ ऐसे नुकसानदेह जरासीम होते हैं जो उसके जरिए इंसानों तक मुंतकिल हो सकते हैं। बूढ़े या बीमार लोग जिनमें कुव्वत मुदाफियत इम्यूनिटी कम होती है उनकी सेहत के लिए छिपकली बहुत नुकसानदेह होती है। नहीं नहीं सर्जरी भी हो तो बहुत ज्यादा वो करना चाहिए, मैं तो इनको बहुत बचाती हूँ ना। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए छिपकली खतरनाक साबित होती है। नबी सल्लम का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, कोई भी हुक्म ना। अच्छा उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा छिपकली की को मारने की फजीलत। नबी सल्लम ने फरमाया जिसने पहली दरब में छिपकली को मार दिया उसके लिए इतनी और इतनी नेकियां हैं, बहुत अजर है। जिसने दूसरी दरब में मारा उसके लिए पहले से कम, और जिसने तीसरी दरब में मारा उसके लिए दूसरी से कम। अब छिपकली को मारा करें क्योंकि वो नुकसानदेह है ना, तो वो दूसरा मारेगा तो कम अजर, तीसरा जो पहल करेगा उसको ज्यादा अजर। चूंकि नबी सल्लम का हुक्म है इसलिए छिपकली को मारना भी बाइज से अजर है, ठीक है। नबी सल्लम का कोई भी हुक्म हिकमत से खाली नहीं, हमारे लिए इसमें पोशीदा फायदे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, इसलिए इस हुक्म को छिपकली पर जुल्म हरगिज तसव्वुर नहीं करना चाहिए। ये ईमान का इम्तिहान भी है कि इस हुक्म को सुनकर हम छिपकली की सेहत क्या मामला करते हैं। जाहिर जो हुक्म आ जाता है वो ईमान का इम्तिहान होता है ना। फिर जो है जहरीले सांपों को मारने का हुक्म। नबी सरसम ने दो धारी और दम दुम 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 कहते टेल को ना, दुम बरीदा सांपों को मार देने का हुक्म दिया क्योंकि वो अंधा बना देते हैं, हमल को भी गिरा देते हैं। कौन से? दो धारी और दुम बरीदा। सांप का जहर बिनाई को खत्म करता है। सांप का जहर आंख के असाब और पट्ठों को मुतासिर करता है। सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो नर्व्स को पैरालाइज कर देता है। माय गॉड, ऐसी ऐसी चीजें हैं जानवर, ये रेप्टाइल कितने खतरनाक। जब आंख की मेजर ऑप्टिक नर्व सांप के जहर से मुतासिर होती है तो इंसान की बिनाई भी मुतासिर हो जाती है और निगाह जाती रहती है। कुछ सांप जो स्पिटिंग कोबरास कहलाते हैं वो अपना जहर इस तरह फेंकते हैं कि इंसान की आंख को निशाना बनाते हैं, इस जहर से बिनाई जाने का अंदेशा रहता है। सांप के काटने से हमल जाया होना। सांप अगर किसी हामला औरत को काट ले तो उसका जहर खून में फैल जाता है और आसाब पर असरअंदाज होता है जिससे हमल भी साकित हो सकता है। सांप के जहर की वजह से हामला को ब्लीडिंग भी हो सकती है, ज्यादा खून बह जाए तो हमल को नुकसान पहुंच सकता है। सांप का जहर प्लेसेंटा से गुजरकर सीधा बच्चे तक पहुंच जाता है और बच्चे को जाया कर देता है। प्लेसेंटा क्या है? अच्छा, जिसको अमल नाल बोलते हैं, और जो कोड होती है जो वो जो अच्छा कोड जो जिसे खाना आता है बच्चे को, क्या कहलाती है? एम्ब्रिकल कोड। अच्छा अच्छा, ये साइंसदान बैठेंगे ना सारे तो बच्चे को मांस होता है, कितनी चीजें हम लोग साइंस भी पढ़ रहे होते हैं। आप देखें दीन में क्या नहीं है। वो सैक होता है ना, एमनियो सैक जो जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो बच्चा होता है उसको कहते हैं। अच्छा ये बात, अच्छा देखिए एक्सप्लेनेशन भी मिल गया ना कि ये बात बच्चों के तो माँ के जरिए बच्चे तक चला जाता है, इसलिए बच्चे के लिए ये खतरनाक। जहर के असर से हमला का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है जिससे हमल के जाया होने का खशा रहता है। तो अच्छा गुंदर पे तो हमने पढ़ लिया ना, ठीक है हो गया। अब हम देखते हैं कि
अच्छा हम लोगों ने जन्नत दोजख भी पढ़ी थी ना, चलिए और हम देख लेते हैं क्या कवर कर सकते हैं, तो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा हम जाबिर अब्दुल्ला इमाम आमर हम सारे वो छोड़ते हैं, किसी दिन उनका कर लेंगे। ठीक है, अच्छा कुत्ता घर में कुत्ता रखने के नुकसान, जिस घर में कुत्ता या जानवर जानदारों की तस्वीरों उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते, हमने हदीस सारा पढ़ा है ना, एक तरात नेकी नामा अमा से नौ रोज निकलती रहती है, कुत्ता घर में हो तो ना, जानदारों की तस्वीरें बनाना जायज नहीं, मुसव्विर को कयामत के दिन कहा जाएगा कि जो तूने बनाया है उसमें जान डाल, और उसको अजाब भी दिया जाएगा, वो जान डालने पर कादिर तो होगा नहीं, जान तो हम डाल ही नहीं सकेंगे। जब नमाज में इमाम कहे समी अल्लाह लिमन हमीदा और जवाब में मुक्तदी कहे अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, और अगर इसका ये जिक्र फरिश्तों के जिक्र के मुवाफिक हो जाए तो मुक्तदी के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, आमीन क्या तो होता ही है, और नमाज में समी अल्लाह लिमन हमीदा जब इमाम कहे और पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी भी हम जवाब देते ना अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तो ये भी फरिश्तों के जिक्र के मुवाफिक हो जाए तो मुक्तदी के हम पीछे नमाज पढ़ने वालों के पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं, तो आमीन के अलावा ये भी है समय अल्लाह लिमन हमीद। जब कोई शख्स नमाज के बाद इसे जरूर भेजे, वैसे भी 27 या 25 नमाजों का घर में पढ़ने के बनिस्बत जमात की नमाज मस्जिद की नमाज में एक रिवायत में आता है कि 27 गुना ज्यादा सवाब है, एक रिवायत में आता है 25 गुना ज्यादा सवाब है मस्जिदों की नमाज का, तो क्या है कि अपने मर्दों को भेजा करें, और फिर आता है ये भी सवाब आमीन मुआफ़त कर गई फरिश्तों के साथ तो पिछले गुना माफ, रब्बना लकल हम मुआफ़त कर गई तो पिछले गुना माफ, यानी अल्लाह ताला ने कितने, जन्नत तो ऐसा लग रहा है बिखरी पड़ी है, हम उसको लेने वाले नहीं, और हमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा जिहाद घर में है, मर्द को तैयार करके भेजे, उसको सही टाइम पे खाना दे दें, उसके लिए ऐसे माहौल पैदा करें कि वो जाए जाए। जब कोई शख्स नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठा रहता है तो उसका ये सारा वक्त नमाज में शुमार होता है, और फरिश्ते उसकी मग़फ़रत और रहमत की दुआ करते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू अल्लाहुम्मा इरहमहू ना करते रहते हैं, जब तक वो अपनी जगह से उठ ना जाए या बात ना करे या उसका वजू ना टूट जाए, या हदस हो जाए वजू टूट जाए या बात कर लेता है तो फिर क्या होता है वो दुआ नहीं करते। अच्छा अब रबात जो है गुनाहों को मिटाने वाले का, हमने कहा था ना ये रबात कहलाता है, अभी लेटेस्ट हदीस पढ़ी थी, तो रबात का क्या मतलब है, आपकी तो मजबूरी है ना, वो तो टलेंगे नहीं, वो बोल देंगे जवाब दे देंगे तो फिर वो आपको काम वो उसमें ये जो अभी इसमें बात है उसमें नहीं है, लेकिन हमें देना पड़ता है, जब आप कोशिश करें कि बच्चे भी फिर हम पढ़ते रहते हैं तो आदि हो जाए, अब आपका बहुत लंबा है तो फिर तो अब आजकल तो सर्दियां तो बहुत कम टाइम होता जाएगा असर और मगरिब पे, तो वो तो चलो, लेकिन अब जब बहुत लंबा अगर 2-3 घंटे बैठते हैं तो फिर तो हमारे बच्चे वो करेंगे, अल्लाह वो लेवल भी ले आए कि उनको समझ आ जाए। अच्छा रबात उनको कहते हैं गुनाहों को मिटाने वाले काम, वो कौन कौन से हैं, ना पसंदीदा हालात में वजू करना वो रबात कहलाता है ना, गुनाहों को मिटाने वाले काम पढ़ी थी ना हदीस, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम उठाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, है ना लिख लें, रबात गुनाहों को मिटाने वाले काम, नापसंदीदा हालात में वजू करना, मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम उठाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। ठीक है, वो उमूर जो फरिश्तों की लानत का सबब बनते हैं, देखिये यहाँ पे दिया हुआ डॉग है और जो दीवारों पे तस्वीरें हैं, मैं आपको ये पिक भेज दूंगी ना सारी, जो हम फ्रेमों में तस्वीर लगा देते हैं, बेडशीट पे तस्वीरें होती हैं, ठीक है ना, डॉल्स होती हैं और वो डॉल्स के सारे इमेजेस हम बच्चों के बिस्तर पे लगा देते हैं, वो है ना फरिश्ते जिन कामों पर लोगों को लानत करते हैं, शौहर की अतात ना करने वाली औरतों पर, जो वो बुलाए उसको बिस्तर पर वो ना जाए तो फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं, सहाबा कराम को बुरा भला कहने वाले पर फरिश्ते मलामत करते हैं, जो मदीना में बिदात फैलाए उस पर मलामत करते हैं, जो बिदती को पना दे उस पर मलामत करते हैं मदीना में, जो अपने भाई की तरफ असलाह के साथ इशारा करे, यानी प्याज वगैरह काटते करते मुझसे अभी हाल में गलती हो गई थी छुरी ना दिखाए, वो कह रही है अब क्या करें, अभी कह रही है आपने तो हदीसें पढ़ती है पढ़ाती है स्टूडेंट है पढ़ाती भी और आप करी, अल्लाह ताला की हुदूद के आड़े आने वाले क्या है, अल्लाह ताला की हुदूद के आड़े आने वाले लोग किस तरह,
जोर से बोले। हाँ हाँ बिल्कुल, जो हदूद है, हदूद है अल्लाह की, जिस पर हद जारी हो जाती है, ऐसे गुना जो हद के बगैर माफ नहीं होते, उसके आड़े आना कि नहीं नहीं माफ कर दो, उस पर जुल्म ना करो, जुल्म नहीं है वो, अल्लाह ने कहा है ताकि फिर औरों की जरूरत होगी ना ये सारे काम करने की, जिना आम हो जाएगा, लड़कियों की इज्जतें नहीं सलामत रहेंगी जी, जी जी गलत शहादतें भी दे देना, जो है सही है वो सच बोलना है। अच्छा अब हमें ताइफ के वाक्य से पता चलता है कि पहाड़ों के भी फरिश्ते मामूर है, हदीस में पढ़ा था ना आपने, सब अब आपको रिफ्रेश हो रहा है, हो रहा है। वाक़ ताइफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने की बात थी, क्या सीखा था, क्या था वाक़ ताइफ में? फरिश्तों को भेजा, आप बेहोश हो गए थे, फिर उठकर जाने लगे तो आपको एक साया नजर आया फरिश्तों, उन्होंने कहा आप अगर पहले तो लोगों को दो पहाड़ों के बीच बिल्कुल नस्लों में कोई दीन को कबूल करेगा। हाँ आप बात पूरी करें, इतना खैर फैलेगी ना, देखिए खैर फैली वहां से हम एशिया तक पहुंचे और आज हम बैठे हुए मुसलमान। ताइफ के वाक़े से, वाक़े ताइफ से ये भी पता चलता है कुदरत रखने, वही चीज़ जो आपने बताई आप लोगों ने दोनों ने कि कुदरत रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना, कुदरत रख सकते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए कि आप चाहें तो हम दो पहाड़ों के बीच में इनको जो है पीस दें, तो फिर पहाड़ों के फरिश्ते भी आ गए कि आप हुक्म करें, तो कुदरत रखने के बावजूद इंतकाम ना लेना, लोगों के बुरे सलूक के बावजूद बेहतरीन अखलाक का मुजाहरा करना, अभी जो आप लोगों ने बताया कि लोगों की हिदायत के लिए दुआ करना, बदवा ना देना, दीन का पैगाम पहुंचाने में ला इल्म लोगों से अफू दर गुजर से काम लेना, क्योंकि वो ला इल्म में भी काम कर रहे थे ना, दीन के पैगाम में भी वैसे भी। चले अब हम ये सारी जो है ना छोड़ते हैं, अब्दुल्ला बिन मालिक और ये सब किसी दिन कर लेंगे सारा कहीं। अच्छा फिर हमने पढ़ा था कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने वाले काम, अल्लाह की रजा के कामों में भागदौड़ करना है तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, फोन करना, इन हल्कों में बुलाना, और भी कोई काम हो ऐसे अल्लाह के, नवाफिल की कसरत से अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, क्योंकि साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपके साथ दुनिया में हम साथ हैं, आपका साथ हम जन्नत में भी आखिरत में भी चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे की कसरत करो, तो 5 नमाजें बहुत फर्ज नमाजें बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, उसके अलावा हमें नवाफिल नमाज भी पढ़ना है, तो सजदे की कसरत ऐसे ही होगी ना, तहज्जुद हो गई, अशराक हो गई, उस्ताश की नमाज हो गई, दोहा हो गई, ये सारा हमें पढ़ना है और बहुत खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। छुप कर नहीं क्या करना कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, पैसा भी दे रही तो पता ना चले, लेकिन जहां ये काम नहीं हो रहा है तो दिल में रिया दिखावा फखर गुरूर ना हो कि मैं बहुत इबादत गुजार हूँ, तो आप करें। जैसे उन्होंने फर्ज गुंदर ने क्या किया, अभी हमने गुंदर के हालात पढ़े कि हदीस के रावी हैं, उन्हें जकात मीनारा पे बैठ के दी सबको के पता चले, तो फर्ज को जहाँ नहीं हो रहा हो तो फर्ज को सदका हम दे सकते हैं दिखा के, और ये नवाफिल भी जहाँ नहीं हो रहा हो, खरीदो फरोख में नरमी और आसानी का मामला करना है, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी, कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाला भी, खास तौर पे कर्ज देने वाला थोड़ा ड्यूरेशन दे दे, सहूलत उसको दे दे कि हाँ तुम थोड़े दिनों बाद दे देना, साल बाद दे देना, कर्ज की अदायगी के मामले में नरमी इख्तियार करना चाहिए, उसको मोहलत देना चाहिए, वरना फिर वो क्या होगा, वो सूद पे चला जाएगा, क्रेडिट कार्ड ले लेगा, है ना। ठीक है अच्छा अब जो है इंसान को रोजमर्रा जिंदगी में 4 हालतों से वास्ता पड़ता है ना, हम इंसान है ना, हमारी कैफियत होती है, जज्बात होते हैं, चीजें ऐसी हो जाती हैं, एक तो ये हो रहता है कि तबीयत के मुताबिक सारे काम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, एक कैफियत। दूसरी कैफियत ये होती है कि तबीयत के अगेंस्ट में होते हैं, ठीक है, तबीयत लेके खिलाफ और अगेंस्ट ऐसे आप की पॉइंट्स लिया करें, फिर वो आपको डेलिब्रेट कर देंगे ना। तीसरा ये होती है कि माजी की गलतियां और नुकसान की याद आती रहती है बहुत ज्यादा, हाय मैं बेटी की इससे शादी कर देती, ये भी रिश्ता था, वो भी रिश्ता था,
हाँ मैं वो प्लॉट खरीद लेती, मेरा मेरा भाई तो करोड़ों पे पहुंच गया है। हाँ मैंने काश ये ना कहा होता तो सो मैंने ये कह दिया, मेरे ताल्लुकात और अच्छे होते। ठीक है, मुस्तकबिल के खतरा तो अंदेशे, हाय अल्लाह शोहर मर जाए, हाय हाय खत्म कर दे, शोहर मर जाएगा तो क्या हो जाए, कोई नहीं चाहता बेवा हो, कोई नहीं चाहता यतीम हो जाए, कोई ना चाहता है, कोई नहीं चाहते, हम कभी नहीं चाहते हमारे प्यारे चले जाए, लेकिन ये मौत भरत है। ठीक है ना, तो कौन देने वाला है? अल्लाह। असबाब पे भरोसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बड़ी गाड़ी है, वो गाड़ी भी आपने 10 घंटे का टूर लिया यहाँ से कनाडा गया, 11 घंटे, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। अल्लाह अल्लाह इस गाड़ी को मेरे लिए मुसाफिर, इसलिए दुआ है ना, सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिन वइन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। तो दुआएं करें अल्लाह से, और अल्लाह को रिसोर्सेज भी आपके जो है, चाहे औलाद ज्यादा हो, बेटे ज्यादा कमा के दे रहे हो, शौहर बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, भरोसा किस पे करना? असबाब अल्लाह ने दिए, करता कौन है? अल्लाह तआला, वसीले अल्लाह ने, तो वसीले असबाब पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मुस्तकिल बिल के खतरा तो अंदेशे भी नहीं होने चाहिए। तो जो मामला तबीयत के मुताबिक हो जाए उस पर हमें कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा लकल हमदु व लकल शुक्र, कहने की आदत डालो। अब तबीयत के मुताबिक हो गया, वक्त पे सवाल चले गए, बच्चे हम बैठ भी गए पढ़ने, तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्लाहुम्मा लकल हमदु व लकल शुक्र। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, लका लिए तेरे, लाम लिए ता तेरे, लिए आपके, अलहमदु तमाम कुल तारीफ शुक्र, व और लका आपके लिए अशुक्र, तमाम शुक्र तारीफ आपके। अल्लाहुम्मा लकल हमदु व लकल शुक्र, ए अल्लाह तमाम शुक्र तारीफ, तमाम शुक्र आपके लिए, तमाम तारीफ आपके लिए। अच्छा ये तो हो गया तबीयत के मुताबिक, उसके लिए आपने दुआ की। जो मामला तबीयत के खिलाफ हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई चीज खो जाए, हम करते ही वो तो, हम सारी चीज खो जाती, बच्चे को फौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि इन्ना बेशक, लिल्लाहि बेशक हम, इन्ना में बेशक भी आए हम भी आए, इन्ना बेशक हम, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, व और इन्ना बेशक हम, इलैहि तरफ उसके राजिऊन, लौटने वाले हैं तरफ उसके, जाए बेशक हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही की तरफ जाने वाले हैं। ये हो गया कब? जब तबीयत के खिलाफ काम हो गया, ठीक है, सुकून आ जाएगा, माजी की लग्जिशें याद आए, गलतियां और नुकसान, और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह ताला माफ कर देगा, गलतियां माफ कौन करेगा? अल्लाह ही करेगा। कोई कुछ भी पढ़ ला, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वातूब इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा ला युफ़ी वातूब इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा ला युफ़ी वातूब इलैह, कलमे वाला इस्तिग़फ़ार पढ़, कोई भी इस्तिग़फ़ारात आप पढ़ लें। ठीक है, मुस्तकबिल के खतरा सामने हो तो कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊद बिका मिन अल्फितने मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतना, बोले अल्लाहुम्मा इन्नी आऊद बिका मिन अल्फितनी मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतना, अल्लाह मैं आपसे पनाह चाहती हूँ फितनों से जो जाहिर है और जो छुपे हुए। ठीक है, आपको तो अरबी मतलब लफ्जी तर्जुमा कर लेते हैं। अच्छा, अब आप जो तबीयत के मुताबिक काम हुआ उस पे आपने शुक्र किया, आपने कहा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, तो शुक्र से मौजूदा नेमत महफूज हो जाएगी, क्या होगा? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा लाइन शकर तुम ला अजीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन आजादी लशदीद, अगर तुमने शुक्र किया तो मैं ज्यादा दूंगा, अगर तुमने कुफर किया तो फिर कुफर नाशुक्री बामाने नाशुक्री के आया है इस आयत में, कुफर बामाने नाशुक्री के आया है, कुफर का मतलब कुफर करना भी होता है अल्लाह से और नाशुक्री भी, तो क्या होगा अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर मेरा अजाब भी लशदीद, अलबत्ता शदीद है, बहुत शदीद है। ये तो एक कैफियत, पहली कैफियत थी तबीयत के मुताबिक। दूसरी कैफियत थी तबीयत के खिलाफ, उसपे जो आपने क्या किया कि आपने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया, ठीक है, तो क्या हुआ? नुकसान पर सबर से सबर किया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना राजिऊन पढ़ लिया, हाय वावेले मातम नहीं किए, इसको खून उसको खून, बहुत बड़ा महंगा क्रिस्टल टूट गया $1,000 का, या चले लेट से जितने का भी, या कोई चीज सोना गुम हो गया, वो तो कई $1,000 के होते हैं, चूड़ियां तो बहुत ही महंगी हो, चले लेट से बहुत बड़ा नुकसान हो गया, प्लॉट में नुकसान हो गया, हरिकेन सैंडी आ गया, दुकान डूब गई, मकान डूब गया, तो उस पे नुकसान पे सबर कर लें, अजर महफूज हो गया। सबर फौरन फौरन अगर सबर करते हैं ना, और हाय वावेले और रोना धोना नहीं करते तो अजर महफूज कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह की मैयत नसीब, मैयत नसीब होती है, अल्लाह का खुद नसीब होता है, और आप ज्यादा से ज्यादा उसकी जिक्र शुक्र इबादत कर, उसकी मैयत नसीब हो जाती है। जब आप कहते हैं तबीयत के खिलाफ क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, और दिल से, जुबान से नहीं। कब अजर महफूज होगा? सबर कर लिया, दिल से किया, और दिल में तो ये चल रहा हो कि नहीं नहीं वो खुश हो। एक आदमी थे, एक बुजुर्ग थे, बड़ा अच्छा वाक्य आप लोगों ने सुना हुआ होगा, एक बुजुर्ग थे, उनके बहुत सारे शागिर्द होते थे, बड़ा मशहूर वाक्य है।
क्या हुआ कि एक दफा उनके शागिर्द आए, वो पढ़ने पढ़ाने में तो लोगों के हवाले कर देते थे अपनी चीजें, शागिर्द आए और कहने लगे कि आपको बहुत फायदा हुआ है, इतना फायदा हुआ है आपके ट्रेड में बिजनेस में, इतना फायदा आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र सारे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर एक दोस्त शागिर्द आते कहते बहुत नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ, कहते अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो बच्चे सारे स्टूडेंट थे ना शागिर्द, वो कहते हैं कि हमने जब नफा हुआ, बहुत ही नफा हुआ, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुद शुक्र तारीफ अल्लाह के लिए, जब नुकसान हुआ तब भी आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद शुक्र तारीफ के अल्लाह के लिए, तो कहते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया। वो कहते हैं अल्लाह ही की तो जात है नफे नुकसान करने वाली, वो मेरे लिए नुकसान भी बेहतर है, मेरे लिए नफा भी बेहतर था, तो अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए करते हैं ना सब कुछ। अब गिरने में भी मेरे हस्बैंड गिर गए, क्या पता चला कि आपकी तो सिस्टर पे सारी उम्र ना, वो क्या से क्या बन जाती, अल्लाह ने बचा लिया। तो अल्लाह को बेहतर है कि पता है, बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए शर में खैर है या खैर में शर है। और ये आयत भी है ना सूरह बकरा की, वहीन असा कि तुम अगर सोचो कि इसमें खैर है तो हो सकता है शर हो सकता है, तुम समझो कि इसमें शर है तो वो खैर हो सकता है। और मुझे तो जीती जागती मिसाल मिल गई शर में, और हालांकि गीला होता तो मैं सोचती कि मैंने ऐसा किया, मैंने गिरा दिया, अल्लाह ने वो भी नहीं किया, वो अपनी जबान हाल से खुद कह रहे हैं अफाफ और शानो मुझे क्या हो गया, बाथरूम भी सूखा था, बस बार्टिप से कैसा गिरा मुझे नहीं मालूम, अल्लाह तला ने इतनी बड़ी मुश्किल से बचा लिया, सिस निकला इस सर्जरी हो गई हम बच गए, तो शर में खैर हो गया ना। ऐसी आपके पास भी मिसालें होंगी। तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह ताला दोनों हालतों में, अल्लाह जिसमें राजी, इसमें मैं राजी बरजा अल्लाह के उसमें मैं खुश हूँ कि मेरे लिए वो अल्लाह ने बेहतर जो था अल्लाह बेहतर करे। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो शक्ल थी ना कि माजी की गलतियां नुकसान की जब याद आई आपको, तो हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम आपसे माफी मांगते हैं, हम उससे हमारा हमारी खताओं को माफ कर दें। तो इस्तफा से माजी साफ हो गया, जो गुनाह आपने किए जो गलतियां की, तो इस्तफा से तो अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस्तफा से क्या हुआ आपका माजी सवाल। अब मुस्तकबिल के खतरात आए, अंदेशे आए कि ये हो जाएगा तो क्या करूंगी, वो शौहर चले गए तो क्या करूंगी, फला मुझसे बात नहीं किया तो क्या करूंगी। तो मुस्तकबिल के खतरात जो सामने हो, तो हमने कहा अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा वमा बतरा, तो मुस्तकबिल की हिफाजत हो गई। आपने क्या कहा कि जो जाहिर फितने नजर आए उसे भी बचा लीजिए, और जो बातिन में है तो बातिन भी, यकीन करें दुआओं से ना अल्लाह से हमेशा बके जो मुझे नजर ना आ रहा मुझे दिखा दे, और इस्तखारे से तो वो नजर आ जाता है। मैं आपको कहूंगी कि ऐसी ऐसी चीजें नजर आती हैं, मैं बयान नहीं करूंगी लेकिन बहुत कुछ नजर आ जाता है, क्या करना चाहिए और उसके फ्यूचर में नजर आता है कि कौन आपके हमदर्द है, कौन आपके खिलाफ था या होने वाला था, यानी कि हैरान हो जाती है। यानी अल्लाह की जितनी इबादतें जितनी दुआएं हैं, ऐसे ऐसे मसले हल होते हैं ना कि बस अल्लाह की, वही तो कहा कि अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, उसका एक सिरा आसमान पे अल्लाह के रसूल और एक सिरा जमीन पे। इसलिए नमाजें बहुत अच्छी पढ़े, आपका टाइम नहीं उस अस्कार में जाया हो रहा होता है, एक काम हल नहीं हो रहा है, हल नहीं हो रहा होता है उसमें आप 2 घंटे लगा देते, नमाजें अच्छी पढ़ने खुद ही एक फोन आ जाएगा कि ये काम ऐसे हो गया करके देखे। नमाज ही सिर्फ अच्छी हो जाए तो हमारा सब अच्छा हो जाए। उसके बाद हवा चलने की भी हमने सारी हदीस पढ़ी थी ना, हवाओं की भी पढ़ी थी ना कि बादे सबा जो है कौम आद और कौम समूद के लिए तो हवा चलने पर दुआ थी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरी माफिया व खैरी मा उसिलत बिही व औज़ुबिका मिन शर्रिहा व शर्री माफिया व शर्री मा अरसिलत। ये भी आप भूल गई हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व औज़ुबिका मिन शर्रिहा। अब हवाएं उस दिन ऐसी चली, हम मुस्लिम सेंटर जा रहे थे और आप लोगों को भी है कि ऐसा लग रहा था कि मुझे तो ऐसा लग रहा कि धक्का आया है, और 4 कदम में आगे बढ़ी जो वहां दाखिल हो रहा था, ये हमारी पड़ोसन रफत बहन दाखिल, उन्हें भी कहा कि मुझे धक्का आया, मैंने कहा ये मेरे साथ ही हुआ। तो अब आजकल हम तो ऐसी दुनिया में रहते हैं कि ऐसी बर्फबारी होती है, ऐसी हवाएं चलती कि हमें धक्का हम महसूस करते हैं, तो क्या अजाब नहीं आए होंगे? आए, पक्की बात है कुरान में कि हमने एक हवा के झोंके से लोगों ने वो उस कौम ने समझा कि बारिश आ गई, अब हमारे खेत कल्याण हो जाएंगे, तो बारिश क्या हुई, अजाब का सबब था, पूरी बस्ती खत्म कर दी अल्लाह ने। तो आप सब इसीलिए 2 नफिल पढ़ते थे बारिश होते, तो आप हम तो ऐसे मुल्कों में बहुत बारिश होती है, क्या कहा सजदों की कसरत करो तुम्हें जन्नत में मेरा साथ पाओगे, एक मौका मिल गया हमें बारिश पे सजदा करने का, बढ़ गया ना अशराक चाश ताजुद 5 नमाजें तो पहले हैं, नवाफिल बाद में, एक नफिल हमारे बढ़ गए, और रोज बारिश होती है, ठीक है पढ़ लें। अच्छा, उसके बाद रीह चली, हवा चली तो तलपट हो गई बस्ती कुरान में, फिर उस उन कौमों पर
फिर क्या हुआ कि एक चीख, चीख तो वैसे भी कोई चीखता है ना तो थायराइड वाले और परपटेशन वाले, मुझे तो कोई चीखे ना, मैं कहती भाई चीखे नहीं बात करो, मेरी तो हालत खराब हो रही है, वैसे परपटेशन तो चीखे, कुछ चीखों से और कुछ चीखें ऐसी होती है कि कान बहरे हो जाते हैं, तो ऐसी चीख एक चली, उससे भी जो अजाब जिन पे आना था, अजाब याफ्ता कौम गुनागार कौम, कुरान बता रहा है ना सब कुछ, तो ये दुआएं हमें याद है। मेरे कहने का मकसद है कि अभी जो दो मैंने दुआ पढ़ी, हवा पे पढ़ ले दुआ, जिक्र ही होगा ना, अल्लाह का जिक्र ही है ना सारा कुछ, तो क्या होगा कि हमारा हर वक्त जिक्र लिखा जाएगा, और जिक्र कहाँ उठता है, आसमान में, और जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसे ये जिक्र भिनभिनाता है अर्श के कोने कोने में, हमारा जिक्र आसमान में हो रहा होता है ना। तो मत भूलिएगा, एक दूसरे को मुझे भी याद दिलाइएगा, मैं भी आपको याद दिलाऊंगी, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत अनस, ये सारे हम लोग बाद में कर लेंगे, सारे साहबा पे पढ़ लेंगे उनकी, और सूरज ग्रहण। अच्छा कितने बजे शुरू करना है हमें, तजवीद शुरू कर देते हैं। हाँ चलिए चलिए हम शुरू कर देते हैं, ऐसा करते सूरज ग्रहण चांद ग्रहण पे थोड़ा सा पढ़ के हम शुरू कर देते हैं, चल ताकि ये हमारा कम्प्लीट हो जाए। अच्छा सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण ये सब पढ़ा था ना आपने किताब बदुल खल्क में, तो आज क्या हो रहा है, सब याददाहानी हो रही है ना, रिविजन हो रहा है, हाँ रिव्यू हो रहा है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से, ये दोनों किसी की मौत और हयात के बाइस नहीं हो, बेनूर नहीं होते। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के वक्त करने के काम नमाज अदा करें, जिक्र करें, तिलावत करें, दुआ करें, जी जज़ाकल्ला इस्तिगफार करें, सदका करें, गुलाम आज़ाद करें, दो रकअत सलातुल खुसूफ या खुसूफ अदा करने का तरीका, सूरज चांद ग्रहण के वक्त नमाज के लिए खड़े होकर तकबीर तहरीमा, उसके बाद सूरतुल फातिहा और लंबी करत करनी चाहिए, फिर तवील रुकू किया जाए, फिर समीउल्लाह लिमन हमिदा के करके दोबारा क़याम किया जाएगा, सजदे में नहीं जाएंगी और लंबी क़िरात करेंगी। इस क़याम में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं, सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी जाएगी, बल्कि जहाँ से क़िरात छोड़ी थी वहीं से आप शुरू करेंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूशन उसको समझेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे क़याम में क़िरात पहले क़याम की नस्बत कम होगा और रुकू किया जाएगा, जो पहले रुकू से तवालत में कम होगा, दो तवील सजदे अदा किए जाएंगे, इसके बाद दूसरी रकत में भी ऐसा ही किया जाएगा, फिर तशहुद दुरूद दुआ के बाद सलाम फेरा जाएगा। समझ आ गई ना, याद हो गई ना सबको। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा, वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور گروپس دیکھ لیا کریں انشاءاللہ اب ایک دن بعد ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ لیکن گروپس آپ ضرور دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ